What's up guys, so I'm back with another video and आज यार हम लोग review करेंगे raw pressery को. तो सबसे पहले तो हम लोग different segments में review करते हैं product को. सबसे पहले product पे जाते हैं. तो raw pressery essentially एक juice brand है, ठीक है. And उनका positioning market में ऐसा है कि सबसे पहले तो वो एक premium product है, तो price point पे हम जाएंगे बाद में. दूसरी उनकी positioning ये है कि बहुत ही healthy है. वो इसलिए क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड है जो इनका जूस है, हर दिन फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है. आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा. दूसरा है कि इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ कोल्ड प्रेस्ड, तो जो हवा है वो उनके जूस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आती, तो ऑक्सीडाइजिंग जो है वो नहीं होती है उनके जूस की, तो सारे न्यूट्रिएंट्स वो रिटेन कर लेते हैं. ये है उनकी पोजिशनिंग. हम अगर जाते हैं उनके सेकेंड एस्पेक्ट पे जो कि है कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उनकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं. तो आप पहले देख लीजिए उनके प्रोडक्ट्स जो है वो नॉर्मल फ्रूट जूसेस भी हैं, वेजिटेबल जूसेस भी हैं, फिर उनके कुछ डिटॉक्स जूसेस हैं, एक का नाम ट्रिम है, एक का शायद रन है, ऐसा कुछ है, ठीक है. एंड वो मिक्सचर है फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस एटसेट्रा एटसेट्रा के. तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द डिटॉक्स डाइट, तो वी विल गो लेटर इन टू द डिटॉक्स पार्ट ऑफ इट. मैं अभी बात करता हूँ सिर्फ जो आपके नॉर्मल फ्रूट जूसेज या वेजिटेबल जूसेज हैं. अब उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनके प्राइस पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे 400-250 ml की बॉटल का पैक अगर आप लेते हो मैंगो जूस का, तो आपको 320 rupees का पड़ता है अमेजोन पे. पर वही अगर आप पोमेग्रेनेट का लेते हो तो आपको शायद 150 rupees की एक बोतल पड़ेगी या 600 rupees का पूरा पैक पड़ेगा 250 ml की चार बॉटल्स का. तो इट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट डेफिनेटली. और अगर आप उस पे जाते हो जो इनके मिक्सचर्स हैं जो डिटॉक्स डाइट के पार्ट हैं, तो आपको 300 rupees के आसपास की एक बोतल पड़ेगी, ठीक है. आपको जो इनके ट्रिम और रन और ये सब जूसेस हैं, ये जो मिक्सचर्स हैं, ये आपको कहीं भी 250 से 300 rupees की 250 ml की बोतल पड़ेगी. तो सस्ता या कॉस्ट इफेक्टिव तो कहीं से नहीं है ये. इट हैज़ बीन पोजिशन एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट और प्राइस पॉइंट भी उस हिसाब से सेट किया गया है इसका. और हेल्दी डेफिनेटली है, क्योंकि जो इनकी टेक्निक है दैट इज़ नोन टू बी हेल्दियर देन नॉर्मल जो आर्टिफिशली स्वीटेंड होते हैं जूसेस. अब हम जाते हैं इसके अगले पॉइंट पे, वो है जो कि इनका टेस्ट है. टेस्ट जो भी रॉ जूसेस पसंद करते हैं उनको पसंद आएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है. तो बस ये है कि जो भी आर्टिफिशियल जूसेस पीते हैं वो एक्सपेक्ट ना करें वो मिठास के स्वाद का, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर एडेड नहीं है. आप अगर इनके बॉटल के पीछे भी देख लेंगे तो आर्टिफिशियल शुगर कितना एडेड है वो जीरो लिखा होता है बड़े बड़े में, ठीक है. लेकिन इन्होंने अपनी बॉटल्स पे जनरली नेचुरल शुगर का काउंट नहीं दिखाया. आई थिंक वो उनको दिखा देना चाहिए, दैट इज वन प्रॉब्लम. अब हम जाते हैं जो इनका डिटॉक्स वाला पार्ट है. सबसे पहले तो नॉट अ बिग फैन ऑफ डिटॉक्स डाइट्स या फास्ट करके डिटॉक्स करना एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसके फंक्शन करने पे बहुत डूबियस है. डिटॉक्स का जूस का पैक है शायद 6 बोतलें आती हैं, और आपको एक पूरा दिन फास्ट करना पड़ता है उसके लिए. डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको एक एक जूस पीना है, और शायद 1500 rupees की 6 बोतलें आती हैं आपको, जो कि अच्छा खासा दाम है, 250 rupees पर बोतल का दाम है. हम आते हैं उनके क्रिटिसिज्म. सबसे पहले, क्या आपको ज़रूरत है उसकी? बिल्कुल भी नहीं. आप शायद इससे सस्ते में अपने घर पे जूस निकाल सकते हैं डेली, तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है. सिर्फ टाइम और कन्वीनियंस की बात है. अगर आप ऑफिस में हैं और आप अकेले रहते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद जूस निकालें और इमीडिएटली निकाल के उसको पैक करके ले जाएं, आप उतना सुबह उठ नहीं पाते हैं, और आपके पास मतलब एसेंशियली इतना पैसा है बैकअप में कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकें, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में होम डिलीवरी वगैरह कर लेंगे. बस वही उसका फ़ायदा है, बाकी और कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है. ऐसा कोई फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं देता जो कि आप घर में अपने जूसर ग्राइंडर के साथ जूस निकाल के नहीं निकाल सकते,
ठीक है, ऐसा कोई भी फायदा मुझे नहीं दिखता है उसमें, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। हाँ, और आप कोल्ड प्रेस खुद से नहीं कर सकते अपने जूस को, तो वो एक डिसएडवांटेज है, पर आप जनरली लोग इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं उसको, खुद ही तुरंत ही पी लेते हैं। मेरे हिसाब से डिसेंट प्रोडक्ट है, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उसके लिए पैसे जो हैं वो नहीं बचा पा रहे हैं, या अगर आपके जो भी बजट है उस हिसाब से नहीं आप उसको जोड़ पा रहे हैं अपने बजट में, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल फ्रूट्स कंज्यूम करने में या जूस पीने में जो है वो रह सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, या आप कोई बहुत ज़्यादा चीज़ पे मिस आउट नहीं कर रहे। तो वो रहेगा मेरा रिव्यू रॉ प्रेसरी के बारे में, एंड आई बी सी। We'll be right back.